पूर्व कैरिबियन समुद्र में स्थित बारबाडोस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक स्वतंत्र द्वीप देश है। यहाँ हर कोई शानदार समुद्र तटों, समुद्र और सुंदर मौसम का आनंद ले सकता है। बारबाडोस के निकटतम पड़ोसी देश है सेंट लुसिया और मार्टिनिक उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ग्रेनेडा और वेनेजुएला को दक्षिण पश्चिम में, और पश्चिम में सेंट विसेंट और ग्रेनेजियंस है। बारबाडोस के लोगों को बारबाडियंस कहा जाता है। बारबाडोस में सड़क के प्रति मील की दूरी पर कारों का 23वां उच्चतम अनुपात है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ट्रैफिक है। बारबाडोस सभी सफेद रेत समुद्र तटों के साथ इस क्षेत्र में एकमात्र प्रवाल यानी कोरल द्वीप है। ब्रिटिश ने साल 1627 में बारबाडोस में एक कॉलोनी की स्थापना की और तंबाकू और कपास की खेती शुरू की। हालांकि साल 1640 के दशक के दौरान उन्होंने चीनी वृक्षारोपण शुरू कर दिया, जिससे उन्हें सुंदर लाभ मिला। बारबाडोस दुनिया का तीसरा सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र है। बारबाडोस के पास शुद्ध पेयजल है और ये पहला कैरिबियाई द्वीप है जहां पानी पाइप किया गया है। बारबाडोस का कुल भूमि क्षेत्रफल 166 वर्ग मील यानी 430 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लिवरपूल के लगभग 4 गुना आकार का है। रिहाना एक लोकप्रिय गायक और गीतकार का जन्म 20 फरवरी साल 1988 को बारबाडोस में हुआ था। बारबाडोस दुनिया भर में प्रति वर्ष 57 मिलियन रम निर्यात करता है। बारबाडोस द्वीप में उत्कृष्ट दूरसंचार प्रणाली है। साल 2015 में बारबाडोस की जनसंख्या 2,90,604 थी, जो कि केवल लिवरपूल की आबादी के करीब 2/3 है। टाइगर वुड्स ने बारबाडोस के कैरिबियाई द्वीप पर एक समारोह में अपनी स्वीडिश प्रेमिका एलिश नोर्डगेरेन से शादी की थी। साल 1955 में बारबाडोस में आने वाला आखिरी प्रमुख तूफान जेनेट था। बारबाडोस में सिर्फ 20 ग्रीन प्रामाणिक होटल है, प्रति वर्ग मील में सबसे ज्यादा संख्या में से एक। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। ये 15 वर्ग मील यानी 39 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 2014 तक इसकी आबादी 90,000 थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।